नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को दिवाली है बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आए। और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इमेरिस वायरलेस गेमिंग हेडफोन के, जो कि मेरे पास है अवेलेबल। और हर साल दिवाली या दिवाली के वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ मंगाता ही है, तो हमने भी ये मंगाया नहीं है, हमें गिफ्ट मिला है और अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कि ये कैसा है। और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक ही है, 1200 में आपको देखने को मिल जाएगा, 1000 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा आपको दिखता है ये इमेरिस का हेडफोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ़ोन मतलब तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिल जाए, जिसमें इमेरिस गेमिंग हेडफोन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक, और क्योंकि ये मॉडल ब्लैक है। और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिले जैसा नथिंग फोन्स वगैरह में होता है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है कुछ इस तरह के ब्लूटूथ 5.2 मिल जाएगा, और जो डिवाइस डायमीटर है वो 13 mm का मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जैसे कि 24 घंटे का प्लेबैक, PC चार्जिंग केस है, म्यूजिक, बहुत सारी HD कॉलिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको करते हैं ओपन, और ये जो बॉक्स है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और इस में आप यही सोच रहे हो कि मैं इसको पूरा सरफेस पे लिटा के नहीं रखा, क्योंकि ये जो ये मेरा पीछे का गेट है और मैं इसको पकड़ रखा हूँ, मेरे पास कोई टेबल वगैरह नहीं है, क्योंकि जो स्टैंड है वो उसको मैं जुआ लगा के खड़ा कर रखा हूँ। और ये कुछ इस तरह आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो है इसको हम नीचे फेंकते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लूटूथ, और इसको हम रखते हैं अभी साइड में। तो और ये जो है हमारा केस है, इसमें हम देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं देखते हैं क्या क्या देखने को मिला, तो बेकार की सारी चीज़ें हैं। और हमें मिला है क्योंकि स्टाइल गाइड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कान बनाया है, यहाँ फ्रिक्वेंसी और टूनिफी लिखा हुआ है, और आप पता नहीं क्या करेंगे, मैं तो टूनिफी करूँगा। और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दी गई है जो कि छोटी छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी सही से आप दे रखा है। आप चार्ज में कैसे ले
तो गाइस इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ठीक ठाक सही आया है, मतलब आवाज़ वगैरह भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बेटर हम नहीं कह सकते, ठीक ही आवाज़ है और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते, नहीं बैटरी बैकअप ख़राब भी नहीं है, ठीक ही है, और जो आवाज़ है वो ठीक सा ही है, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 1000 रुपये के रेंज में तो ये ठीक है, आपको थोड़ा सा लुक मिल जाए नथिंग की तरह, जैसा नथिंग का आता है वैसा आपको थोड़ा सा लुक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, जैसा कि नथिंग में देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का, जैसा नथिंग के बड्स वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन इस केस में आपको नथिंग जैसा फीलिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि केस जो है वो पूरा पूरा ढका हुआ है, बस ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से ढक रखा था कि अंदर का सामान ना हो, लेकिन बड्स के अंदर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।